मसीह में आप सबको सलाम, खुदावंद आप सबको बरकत दे। काफ़ी लोगों का एक ही सवाल था कि ये जब मैं वीडियो बनाता हूँ, जब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, फिर मैं उस वजह से वीडियो बनानी पड़ती कि राग मधुवंती बताएं हमें इसका चलन, ये किस तरह हम इसे परफॉर्म करें अच्छे तरीके से। राग मधुवंती है, वैसे तो मैंने इसके बारे में सरगम पलटा बताया, इसका सारा कुछ बताया चैनल पर, लेकिन फिर बार बार तो फिर इस वजह से वीडियो बनानी पड़ती है। देखे जरा अभी नी सा गा म प नी प नी प नी स नी ध प म प ग अजूब भाई, आपने जो कहा था कि राग काफ़ी पर, तो राग काफ़ी ठाट का जो राग है उस पर वीडियो, तो वो इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लोग कह रहे थे, तो आपसे पहले कह रहे थे, तो मैं खुदावंद के फजल से इसके बाद वो वाली वीडियो डालूंगा ज़रूर। नी सा ग म प नी प नी स नी ध प म प ग म ग तो बेसिक जो होता है सरगम पलटा, जो होता है सरगम पलटा, मैंने आपको हजार दफा बताया कि वो बहुत जरूरी है। आप जो ताने लगाते हैं ना, वो ताने लगाने में आपको सरगम पलटा बहुत आसानी करता है। पानी पानी सानी धबा मावा गमा गरे नीसा। अभी ये आप तान लगाएंगे तो वो कैसे आप तान बनाएंगे इसकी? तो अभी ये कैमरा मैंने स्टैंड पे लगाया, नहीं तो आपको बता देता कि तीन उंगलियां मुंह में लेकर ना, तो आप ये तीन उंगलियां मुंह में लेकर आप अच्छे तरीके से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद सारे गा रे गा मा गा मा पा मा गा मा गा रे सा। अभी ये स्टैंड की वजह से मैं आपको मतलब के ठीक है, मुंह में तीन उंगलियां ले लें, अगर आपको नहीं समझ आ रही इस वजह से तो कुछ लोग पूछते 72 ठाट 32 ठाट, यार ये सारा कुछ हारमोनियम में ही है। ठीक है, 32 ठाट भी ये ठीक है, ये आप इन सुरों में, तो फिर आप जब करेंगे तो ये सुर आ जाएगी साथ, मतलब के इन्हीं मतलब 13 सुरों में आपके 32 भी पूरे होते हैं, 72 भी पूरे होते हैं। ठीक है, खुदा आपको बरकत दे। मैं जितना आपको समझा सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे तरीके से बता सकूँ। अगर कोई भाई को मसला बनता है तो वो पर्सनली मेरे पास भी आ सकता है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऊपर है, ये ऊपर है, ठीक है, आप आ सकते हैं मेरे पास, खुदा आपको बरकत दे, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, तो खुदा आपको बरकत दे। आमीन।